सब कोई मेरे को जाते है तो स्टेज में रसिया नहीं बोलता है। रसिया नहीं बोलता है? हाँ। नथुनी आप गोली मारे। अच्छा ये बताइए एक रात का कितना रुपया लेती है? 5,000। बियाड़ी रहने का मन करता लेकिन का हो का हलवा ठीक बनो। लाखों युवाओं की ये चाहत होती है कि एक बार हम रशियन के साथ सेल्फी लें, रशियन कैसी होती है उनसे हम रूबरू कराएं। लाखों लोगों की शौक होती है, आज हम वो आपको सपना साकार कराने जा रहे हैं। मेरे साथ अभी बगल में जो बैठी हुई है और आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं इनसे आपको रूबरू कराएंगे। ये रशियन गर्ल है, क्या वाकई में रशियन रशिया से आई हुई हैं? इनका शुभ नाम हुआ क्या, ये करती क्या है? ऐसे पता चला सूत्रों के हवाले कि ये लाखों रुपया कमाती हैं, रशियन गर्ल है और ये काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो मुझे भी लगा क्यों नहीं आप सभी तक इनको रूबरू कराया जाए। ये बताइए कि आपका रियल नाम हुआ क्या? नेहा। नेहा, अच्छा ऐसे आप रहने वाली कहाँ की हैं? सिक्किम। सिक्किम की। अच्छा ये बताइए कि आपको रशियन नाम से जाना क्यों जाता है, आप चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो बोलता है लोग तुम रशियन जैसी हो। अच्छा आप रशियन जैसी हो, सुंदर है इसलिए आपको रशियन लोग बोलते हैं ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप पहले करती क्या थी? पढ़ाई करते थे। अच्छा कितना क्लास तक आप पढ़ी हैं? 10th पास। 10th पास है। और अभी आप क्या करती हैं? यही काम करता है। यानी आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? हाँ। स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप सिक्किम से आई, मतलब यूपी बिहार में काफ़ी ये जो स्टेज प्रोग्राम होता है, कोई भी शादी या फंक्शन या कोई भी बर्थडे पार्टी हो तो काफ़ी लोग इसे शौक मानते हैं और इस बहुत ही पसंद करते हैं, उनके खुशियों को और बढ़ा देने का ये काम करता है ये जो भी ऑर्केस्ट्रा हो, जो भी प्रोग्राम हो ना जी। हाँ। तो ये बताइए कि सिक्किम में डांस वगैरह होता है कि नहीं? नहीं, डांस नहीं होता है। फिर आप डांस कहाँ से सीखी? तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, मतलब ऐसे प्रोग्राम प्रोग्राम होता। अच्छा, है स्कूल पे तब। अच्छा, सीख गए। आपका शौक था क्या शुरू से डांस करने का? हाँ मेरा शौक था, लेकिन ये सब काम में शौक नहीं था मेरा। अच्छा ये सब मतलब आप नहीं सोची थी कि मुझे ऑर्केस्ट्रा में भी जाना है? हाँ। अच्छा ये बताइए, सही से बताइएगा कितना रुपया कमा लेती है? कमा लेते 50-60 हज़ार। अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा में आने की जर्नी शुरुआत कैसे हुई? हम सोचे थे अच्छा काम मिलेगा कोई, तो इधर आके ऐसा काम मिलेगा। तो फिर आपको बुला के कौन लाया बिहार में? दोस्त आए थे हम। लड़की या लड़का? लड़की। लड़की बुला के लेके आई थी? क्या कोई नौकरी का झांसा देके? हाँ। बोली कि आपको हम नौकरी दिला देंगे? हाँ। अच्छा तो आप क्या बोली? हाँ ठीक है चलो। अच्छा ये बताइए कि आप कितना दिन से बिहार में रह रही हैं? 2 साल। 2 साल से। घर भी गई है 2 सालों के बीच? हाँ गए हैं, बहुत बार गए हैं। अच्छा मम्मी पापा जानते हैं लोग कि आप लोग डांस करती हैं ऑर्केस्ट्रा में? नहीं नहीं। क्या बताती हैं, कौन सी काम करते हैं? कैटरिंग में काम करते हैं, बताए। अच्छा और कमा के पैसा रखती हैं या घर पे मम्मी पापा को देती हैं? घर पे डाल देते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट में रखने को बोलते हैं। अच्छा ये बताइए जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ये ऑर्केस्ट्रा अच्छा काम है या कैसा लगता है इसमें आपको, मतलब काम करने के बाद कैसा महसूस होता है? जैसा काम करता है वैसे भोगना पड़ता है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा ही मिल जाएगा। आपको कैसा मिलता है मतलब ये बताइए? मेरे को तो अच्छा ही लगता है, अच्छा मिलता है मेरे। अच्छा और लड़कियां यदि आपको सुन रही हैं और यदि उनको भी शौक है ऑर्केस्ट्रा लाइन में जाने को, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? बस वो लोग आए अच्छे से काम करे बस। मतलब ऑर्केस्ट्रा में आना चाहिए कि नहीं, इज्जत मिलता है या नहीं, जो सम्मान होता है मिलता है कि नहीं, रिस्पेक्ट? खुद आप इज्जत देगा तो दूसरा से भी इज्जत मिलेगा। क्या लगता है बिहार में यूपी में तो ऑर्केस्ट्रा वाले को अलग नज़र से देखा जाता है, आप कह रही हैं कि इज्जत दोगे, तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने जो जाती हैं डांसर वो कैसे इज्जत दे पाती हैं? तो अच्छे से काम करोगे तो उसी में तो इज्जत बसेगा, तो छोटा कपड़ा पहन के ये सब काम करोगे तो कौन बुरा नजर से नहीं देखेगा, सब कोई बुरा। यानी ऑर्केस्ट्रा में डांस करना चाहिए तो छोटा कपड़ा पहन के नहीं करना नहीं, चाहिए? नहीं ये बहुत बुरा है। अच्छा क्या लगता है कि आप ऑर्केस्ट्रा में आके अच्छा की या गलत की? ना बुरा किया। बुरा किया आपने? हाँ। स्वीकार रही अपनी गलती को? हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस लाइन में रहना है या दूसरे फील्ड में जाना है? दूसरा फील्ड में जाना है मेरे को। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों की दिनचर्या कैसी गुजरती होगी, 300 दिन तो काम होता नहीं है, लगन भी डेली नहीं मिलता हो, तो फिर आप लोग की कैसे रोजी रोटी चलता है? हाँ तो इधर में होता है थोड़ा थोड़ा, उतना कमाते हैं तो उतना तो खा लेते हैं हम लोग। अच्छा जो कमाती हैं छुट्टी में बैठ करके खाती हैं? हाँ। और लड़कियों को मना करेंगी या बुलाएंगी ऑर्केस्ट्रा फील्ड में? मना करेंगे कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हाँ। अच्छा ये बताइए आप बिहार में आती हैं तो बिहारी भाषा को समझती हैं? समझता है। अच्छा बिहार में आपको सब कोई पसंद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं? हाँ कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं बुरा लोग होता है तो वो लोग का तो आदत ही खराब होता है। अच्छा आदत ही खराब होता है।
अच्छा ये बताइए कि आपको सिक्किम पसंद आता है या बिहार पसंद आता है? हमको सिक्किम ही पसंद आता है। सिक्किम पसंद आता है। हाँ। भोजपुरी आप बोलती हैं? हाँ। थोड़ा सा भोजपुरी में कुछ अपने दर्शकों को जरा बोलिए, बोल के सुनाइए। कहो का हलवा। अच्छा, अच्छा ये बताइए सिक्किम की लड़कियाँ कैसी होती है? ऐसे ही आपकी आप ही के जैसे मस्त होती है क्या? हाँ। है? सही में? अच्छा अपने भाषा में जरा दर्शकों का हाल चाल पूछ लीजिए। कहो का हलवा, ठीक बनो। वाह क्या बात है, भोजपुरी में कितना लजवाब बोल रही है। और सिक्किम के भाषा में पूछिए कस्तो छाल खबर, ठीक छ नी। अच्छा ये बताइए कि कोई आपको संग पसंद है? हाँ। कौन सा, भोजपुरी या हिंदी? सब पसंद है मेरे को। जरा सुनाइए भोजपुरी। नथुनी अप गोली मारे, बस थोड़ा सा बढ़िया। सैया हमार रे। नहीं। कोई एगो हिंदी सॉन्ग। हिंदी सॉन्ग? हाँ। तू जो मेरे पास है, इतना ही बस, नहीं गाऊंगी, मेरे को शर्म लगता है। अरे कोई शर्माने वाला बात नहीं है, आप बहुत ही अच्छी आदमी है, बताइए। अच्छा ये बताइए कि आपको घर कब जाना है? अप्रैल। अप्रैल में। अच्छा ये बताइए एक रात का कितना रुपया लेती हैं? 5,000। एक रात का 5,000 रुपया कमाती हैं? हाँ। और इसमें आपको अच्छा लगता है, मन उन लगता है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। हाँ। अब नहीं करना है इसमें? नहीं, अब मन बढ़ गया है। अच्छा क्या लगता है कि और लड़कियों को भी झांसा दे करके ही बुलाया जाता है ऑर्केस्ट्रा लाइन में? नहीं, अब हम सब कोई लड़की से ये बोलता है कि कोई इधर आके ना फंसे ऐसा जगह पे, ये सा काम करना है तो अच्छा काम करो, बस ये काम मत करो, यही बोलती हूँ मैं बस। कब तक इसमें काम करना है? 2027 तक। ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरत हैं और आपको रसियन नाम से पुकारा जाता है, रसियन नाम से आप चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया पे आप ही छाई हुई हैं, तो ये बताइए कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? हाँ है। है। अच्छा शादी बिहार में करना है या सिक्किम में करना है? तो इस बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करना है? हाँ इसी से करना है मेरे को। इसी से करना है। हाँ। अब ये जो सिक्किम की लड़की है, यानी जो जिनको आप रशियन गर्ल से जानते हैं, वो अब बिहार के लड़के से शादी करने जा रही है ना जी? हाँ। है? ये बताइए रशियन नाम पड़ा कहाँ से आपका? सबको ही मेरे को जाते है तो स्टेज में रशियन ही बोलता है। रशियन ही बोलता है? हाँ। अच्छा तो बोल दीजिए कि हम ही रशियन है। हाँ। है ना आप रशियन? हाँ। नहीं है, हम नेपाली है, हम रशियन नहीं है। आप नेपाली है? हाँ। अभी तो बोली कि रशियन है। हम रशियन नहीं है। अच्छा आप लोग बोल बोल के तो रशियन बना ही दिया तो। अच्छा लोग बोल बोल करके रशियन। हाँ। बना दिए ना। हाँ। अब मनो लग जाता है ना बिहार में। बिहार के लोग चाह रहे हैं कि अब बिहार में रहिए, सिक्किम नहीं जाना है। हम सिर्फ बिहार ही रहने का मन करता, लेकिन क्या करूं, घर पे भी तो मम्मी पापा है, उन लोगों से भी मिलना पड़ेगा। क्या लगता है कि जॉब करते तो अच्छा सब पैसा वैसा कमा लेते? हाँ। इसमें दिक्कत होता है। हाँ। ऑर्केस्ट्रा लाइन में। तो चलिए ये मेरे साथ मशहूर डांसर थी जिनको आप सभी जानते हैं रशियन गर्ल्स के नाम से। रशियन गर्ल्स के नाम से ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है और काफ़ी ये लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, अपने कलाकारी के बदौलत, अपने स्टेज प्रोग्राम के बदौलत, अपने डांसों के बदौलत। और कुछ इनका डायलॉग है जो कि बहुत ही पसंदीदा है, आप सभी ने तो सुना ही। बाकी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुझे नौकरी का झांसा दे करके बुलाया गया बिहार में और मुझे नौकरी के बदले ऑर्केस्ट्रा लाइन में आना पड़ा। जब आप ऑर्केस्ट्रा में आई तो आपको दिक्कत हुआ क्या, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? भाषा नहीं समझ में आता था तो और कमेंट करते थे लोग। हाँ अब पता नहीं क्या वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं बोल पाते थे। अभी तो सब कुछ समझ जाती हैं। हाँ। और बोल भी लेती हैं। हाँ। तो देखिए आप लोग कितना इनको प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में बताना जरूर नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अभी रशियन गर्ल अब बिहार के लड़के से शादी करने जा रही है, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनको देखने के बाद, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी अगले वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय के लिए मेरा नाम है नीतीश।